Hi guys, I welcome you all to Insight This Is YouTube channel. am Vishali, and today, as the title suggests, we will be covering our history for IFCAT, and this is going to be the last minute revision, as you know. So, अब हम जब history की बात करते हैं, history में काफी ऐसे topics हैं जो बहुत predictable हैं, और हर बार सबसे ज़्यादा questions अगर बात करें history से ही पूछे जाते हैं in IFCAT exam. Out of twenty questions, majorly जो questions आते हैं, या तो वो history से आते हैं, या आपकी sports से आते हैं, या फिर other static sections. जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ठीक है सो इफ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री हिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द थिंग्स दैट आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ओके यहां से क्वेश्चन हर बार आता है किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये देखने को पक्का मिलेगा आउट ऑफ द सिक्स शिफ्ट दैट आर गोइंग टू बी देयर इन टोटल ओके सो लेट इज स्टार्ट द फर्स्ट थिंग इज जो नेशनल कैलेंडर है हमारा जो इंडिया का है दैट वी फॉलो वो बेस्ड किस पे है इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन साका एरा ठीक है और ये हमारा अडॉप्ट कब किया गया था अडॉप्ट किया गया था ये ट्वेंटी सेकेंड मार्च नाइनटीन फिफ्टी सेवन को ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब अगर बात करें तो साका एरा स्टार्ट किसने किया था ये किया था स्टार्ट कनिष्का ने ठीक है कनिष्क जो था उन्होंने स्टार्ट किया था एंड ये कौन थे ये एक कुशान रूलर थे ठीक है सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड कनिश को किस नाम से जाना जाता था ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ सेकेंड अशोका और कुछ शांस जो थे उन्होंने सिल्क रूट स्टार्ट किया था इफ़ यू रिमेंबर ओके ना स्टार्टिंग विद द नैशनल एम्बलम ओके द फर्स्ट थिंग इज़ कि ये जो बनाया जाता है मेजरली अगर हम प्रॉपर आपकी बात करें नॉट लाइक द रैंडम वन दैट यू सी इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ सैंडस्टोन और ये एक सिंगल पीस ऑफ सैंड स्टोन से कंस्ट्रक्ट किया जाता है यूजअली ओके okay? ना द सेंटेंस दैट इज रिटन ऑन द नैशनल एम्बलम द सेंटेंस इज सत्यमेव जयते और आप अगर आपको याद होगा वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दिस थिंग इन आर अवॉर्ड्स वीडियो राइट सो ये हमारा एक्चुअली एक नेशनल सेंटेंस है एंड जो सत्यमेव जयते है ये हमने अडोप्ट कहाँ से किया है वी हैव अडोप्टिड दिस फ्राम मुंडका उपनिषद ठीक है मुंडका उपनिषद जो है उससे हमने इसको क्या किया है अडॉप्ट किया है ओके okay? ये इसके ऊपर सत्यमेव जयते इसके ऊपर इंस्क्राइबड है ओके okay? एंड इसके ऊपर टोटल चार लाइन्स है द वंस दैट यू कैन सी इज द फ्रंट एंड द साइड वंस एग्जैक्टली इसके बैक में भी एक लाइन है सो टोटल फोर आर देयर एंड देयर इज दिस वन थिंग दैट इज नोन एज अ बैकस नाउ व्हाट दिस अ हैज इसमें एक्चुअली चार एनिमल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट वन बींग अ बुल ठीक है द सेकेंड वन बींग हॉर्स थर्ड वान बींग एलिफेंट और फोर्थ वन बींग द लाइन ओके और इनका जो सेपरेशन है वो बीच में ऐसे अपना धर्मचक्र है ठीक है इसको व्हील बोलते हैं इफ़ यू नो राइट सो देर इज दिस धर्म चक्र दैट इज देर इन बिटवीन और आप जानते हैं कि ये सेम चीज़ हमारे कहाँ प्रेजेंट है नेशनल फ्लैग में भी है ठीक है सो दिस इज प्रेजेंट योर नो इफ आई टॉक अबाउट नेशनल एम्बलम ये हमने कहाँ से किया था so, जो नेशनल एम्बलम है वो हमने कहाँ से किया था वी वीडोप्टेड इट फ्रॉम सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका ठीक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर एम्बलम ऑल्सो इसके नीचे आपको ये नजर आ रहा है दिस इज वॉट दिस इज लोटस ओके टॉकिंग अबाउट आवर नेशनल एंथम ठीक है सो वो किसने लिखा है रबिंद्र नाथ टिगौर ने लिखा है ओके और इसका जो हिंदी वर्जन है उसको हमने अडोप्ट किया था ठीक है अडोप्ट कब किया गया था इसे इसको अडॉप्ट किया गया था ट्वेंटी फोर जैन नाइनटीन फिफ्टी और ये कौन सा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकटा सेशन था अब एक बात सुन लीजिए प्लीज़ जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशनस हैं स्पेसिफिकली जहां कुछ मेजर चीजें हुई हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है ओके सो प्लीज रिमेंबर दिस अब देखो ट्वेंटी फोर जैन मूविंग अहेड विद द नेशनल फ्लैग सो सबसे पहली चीज हम सारे कलर्स का जो मीनिंग है वो देख लेते हैं सैफरिन इट डिपिक करेज एंड सेल्फलेसनेस वाइट प्योरिटी और पीस को और ऑनेस्टी को दिखाता है ग्रीन जो है दैट इज फॉर फेथ प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी और जो अशोक चक्र है ध्यान देना इसमें कितने हैं टोटल ट्वेंटी फोर स्पोक्स आदय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फ्लैग फ्लैग जो है ये डिज़ाइन किसने किया था ये डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने और ये अडॉप्ट किया गया था कब ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन में एंड इसमें ट्वेंटी फोर स्पोक्स हैं इन टोटल ओके now talking about the national bird of India it is pavo cristatus ये क्या है इसको आप पिकॉक भी बोलते हैं so पिकॉक आपका क्या है national bird है national song ki अगर हम बात करते हैं so national song कौन सा है आपका national song is vande mataram vande mataram जो है ये किसने लिखा था इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी बंकिम चंद्र चैटर्जी ने आपका लिखा था वंदे मातरम ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई टॉक अबाउट दिस नेशनल सॉन्ग इट इज़ इन विच लैंग्वेज ये संस्कृत में है ठीक है अगर हम अपने देश का जो नेशनल ट्री है उसकी बात करते हैं सो so नैशनल ट्री क्या है फाइकिस बेंगालसिस इसको हम बैनियन ट्री भी बोलते हैं ओके सो दिस इज इम्पॉर्टेंट उसके बाद हमारा नेशनल फ्लावर क्या है हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस जिसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ नीलम्बो एंड हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो कौन सी है इट इज़ हिंदी और हिंदी कौन सी स्क्रिप्ट में है इट इज़ इन देवनागरी स्क्रिप्ट ओके ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेदासके वेदास भी इम्पोर्टेंट है ऋग्वेदा जो है दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेक्सट इन द वर्ल्ड इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैन काइंड भी बोला जाता है बिकॉज दिस वॉज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ठीक है फर्स्ट एसामेंट ऑफ मैनकाइंड भी बोलते हैं और इसके अंदर क्या है अब देखो किस चीज़ से एसोसिएटेड है बहुत ज़रूरी है ऋग्वेदा के अंदर कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है ठीक है यजुर्वेद में क्या है इसमें सारी सेक्रिफिशियल प्रेयर्स हैं जो सेक्रीफाइज होते हैं उस टाइम पे जो प्रेयर्स या हिम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग है ये ठीक है सामवेद में सारे चैनस हैं ठीक है जितनी भी चैंटिंग होती है ना ओम एन ऑल दैट सो दैट इज हियर सामवेद में इंडियन म्यूज़िक जो है इससे एसोसिएटेड है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन म्यूज़िक बिकॉज यहाँ से उसकी कुछ इनिशियल चीज़ें निकल के आई हैं दैट इज फ्रॉम सामवेद ठीक है अथर्व वेद अथर्वेद जो है इसमें सारे मैजिकल फॉर्मूलाज हैं बेसिकली जितने भी मैजिकल फॉर्मूलाज हैं वो किस में हैं अथर्वेद में और ये जो इनिशियल थ्री वेद हैं आपकी दैट इज़ ऋग्वेद यजुर्वेद एंड सामवेद ठीक है इनको ट्रायो ऑफ वेदाज भी बोला जाता है ओके सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वेदर्स इसके अलावा हाँ कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है एंशंट की बट ट्राई एंड कवर दम जैसे कि बुद्धिज्म एंड ऑल ठीक है उसके अलावा हमारी हरप्पा वगैरह है सो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बट मेडिवल से मेजरली आपका जो कैड पूछता है इसलिए मैं मेडिवल पे ज्यादा ध्यान दूंगी ताकि आपके जो मैक्सिम क्वेश्चन हैं वो सही हो सकें ठीक है स्टार्टिंग विद द डायनेस्टीज एंड द फाउंडर और लास्ट किंग ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आएगा लास्ट टाइम भी आया था इस बार भी आएगा ठीक है तो इफ आई टॉक अबाउट हरियांका डायनेस्टी इसके जो स्टार्ट किया था फाउंडर जो थे दैट वाज बिम्बेसरा एंड लास्ट किंग आपके नागासाका थे ठीक है शिशुनाग जो है इसके फाउंडर शिशुनाग ही थे और लास्ट किंग कौन थे महानंदन नंदा डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग हुई थी महापद्म से और इसके जो लास्ट किंग रहे थे धनानंद चाणक्य ने क्या किया था ही हेल्प चंद्रगुप्त ताकि वो ओवर कर सके दिस नंदा डायनेस्टी और चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो किंग बने ठीक है so, सो इनके साथ मौर्य डायनेस्टी केम इन टू एग्जिस्टेंस ठीक है इफ़ आई टॉक अबाउट चाणक्य ठीक है चाणक्य को और किन नामों से जाना जाता था तो ही वॉज नोन एज विष्णुगुप्ता ऑल्सो ठीक है विष्णुगुप्ता बोला जाता था और इसके साथ साथ इन्हें कौटल्या भी बोला जाता था ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न टॉकिंग अबाउट द मौर्यन टाइम्स सो फर्स्ट थिंग इनके टाइम पर कौन आए थे सेलिकस निकेटर आप जानते होंगे राइट सेलिकस निकेटर जो है इनके टाइम पे आए थे एंड ही गॉट डिफीटेड इन थ्री ओ फाइव बी सी ठीक है द सेकेंड वन बींग थे आपके ग्रीक एम्बेसडर थे ठीक है ये ग्रीक एम्बेसडर थे और इन्होंने विजिट किया था इन्होंने बहुत फेमस चीज लिखी है दैट इज नोन एज इंडिका सो मौर्य के टाइम पे आए थे ध्यान रखना है ठीक है इसके अलावा जो आपके अशोका थे वो भी एक मौर्यन ही थे ठीक है और इनकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है द फर्स्ट थिंग इज़ कलिंगा वॉर कलिंगा वॉर जो है वो इनके टाइम पे हुआ था ये कौन से अडिक्ट पे लिखा है दिस हैज़ बीन रिटर्न ऑन द थर्टीनथ रॉकट अडिक्ट ओके देन द सेकेंड थिंग दैट इज साची स्तूपा जो है वो भी इन्हीं के टाइम पे कंस्ट्रक्ट की गई थी एंड द थर्ड थिंग बींग धम्मा धम्मा जो थे वो भी इन्हीं के टाइम पे अपॉइंट किए गए थे ओके okay? सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अशोका जो कि मॉडर्न टाइम्स से थे ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दारिश शुंगा इसके जो फाउंडर थे दैट वॉज पुष्यमित्र शुंगा एंड लास्ट वॉ देवभूति नाउ इफ आई टॉक अबाउट शुंगा डायनेस्टी इस टाइम पे कौन थे कोर्ट में पतंजलि जो थे वो शुंगा डायनेस्टी के टाइम कोर्ट में थे ठीक है देन नेक्स्ट वन बिंग कन्नवा इनके जो फाउंडर थे वासुदेव कन्नवा थे और लास्ट किंग वॉज सुसरमान गुप्ता डायनेस्टी एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे चंद्रगुप्त अब प्लीज याद देना चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है ये ठीक है सिर्फ नॉर्मल चंद्रगुप्त हैं ओके सो so, जो चंद्रगुप्त है फाहेन जो है उन्होंने चंद्रगुप्त के टाइम पे विज़िट किया था ठीक है फाहेन कौन थे एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे ठीक है और ये कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है प्लीज़ ध्यान दो गुप्ता डायनेस्टी ऑल्सो चंद्रगुप्त के टाइम पे देर वर नाइन जेम्स ठीक है नाइन जेम्स सेम एज़ वॉट सेम एज़ अकबर ठीक है सो इस टाइम पे भी नवरत्ना थे और इनके जो सबसे फेमस नवरत्ना है दैट इज़ कालीदास ठीक है कालीदास ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं ये आप मुझे बताएंगे ठीक है नेक्स्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड दैट इज समुद्र गुप्त ठीक है सो so, जो आपके समुद्र गुप्ता हैं ओके दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको किस नाम से जाना जाता है एटसेक्ट्रा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी अभी ठीक है टॉकिंग अबाउट कुमार गुप्त कुमार गुप्ता भी आपके गुप्ता पीरियड के टाइम पर ही थे और इन्होंने स्टैब्लिश क्या की थी इन्होंने स्टैब्लिश करी थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके उट पांडियन सो पांडियन के फाउंडर कून पांडियन और कांड लास्ट किंग कौन थे चोला थ्री ओके कमिंग टू द सतवाना तो सतवानाज के टाइम पे लैंड ग्रांड सिस्टम स्टार्ट हुआ था ठीक है और इसके जो फाउंडर है दैट इज सिमूखा एंड लास्ट किंग जो है दैट इज यजनाश्री सताकर्णी कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ कुशांस ओके ये जो थे कहाँ से आए थे ये हमारे नॉर्थ सेंट्रल एशिया जो कि ऑलमोस्ट नियर टू चाइना है वहाँ से ये लोग आए थे ठीक है इन्हीं के टाइम पे जो फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी है जिनका नाम था थॉमस उन्होंने विजिट किया था इंडिया को ठीक है फाउंडर कौन थे कुजाला कैटपेसिस एंड जो इसके लास्ट किंग थे दैट वॉज किपरनंदा पल्लवाज सिम्हािशू थे और लास्ट किंग कौन थे अपराजित वर्मन चलो की बात करें पुलकाशन वन जो थे दैट वाज द फाउंडर कीर्ति वनमन लास्ट किंग थे देन राष्ट्र जो हैं दांती दुर्गा जो थे दैट वाज द फाउंडर एंड लास्ट किंग वाज इंद्र फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब यहाँ से तो आपको बहुत अच्छे से नाम पता होंगे क्योंकि हमने बहुत ऑफ्टनली सुने हैं राइट सो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किसने की थी कुत्तुब उद्दीन एबक ने स्टार्ट की थी ठीक है खिलजी जलालुद्दीन ने तुगलक यासुद्दीन ने लोधी बहलोल खान लोधी ने एंड जो मुगल है दैट बाय बाबर ओके okay, नाउ अब हम ये जो हैं इनको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद इट बिफोर दिस मैं आपको थोड़ी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी फर्स्ट वन बीइंग जो टाइटल्स दिए गए थे गुप्ता रूलर्स को ठीक है टाइटल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं तो चंद्रगुप्त गुप्त वन ठीक है चंद्रगुप्त गुप्त वन को जाना जाता था महाराजाधी के नाम से ठीक है धीराज के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त को देन टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त टू उनको विक्रम आदित्य के नाम से जाना जाता था कुमार गुप्त को किस नाम से जानते थे कुमार गुप्त को जानते थे महेंद्र आदित्य के नाम से ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट स्कंद ठीक है इनको किस नाम से जाना जाता था ही वॉज नोन एज देवराज ओके okay? एंड टॉकिंग अबाउट समुद्र गुप्त मैंने आपको बोला था इनके बारे में आपको बताऊंगी भी ठीक so, है So समुद्र गुप्त जो हैं इनको नपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से या फिर कविराज के नाम से भी जाना जाता था ठीक है एंड इनको कविराज इसलिए बोला जाता था बिकॉज ही वॉज असोसिएटेड विद लॉर्ड ऑफ लिटरेरी थिंगज ओके ना टॉकबर नपोलियन ऑफ इंडिया ये इनको नाम दिया था वी ए स्मिथ ने ओके इसके बाद बात करेंगे कॉइन्स की तो फर्स्ट टाइम जो गोल्ड कॉइन है वो किसने इशू किया था वो कुशांस ने इशू किया था ठीक है अब लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे वो गुप्ताज ने किए थे ठीक है ध्यान देना देर इज़ अ डिफरेंस इन दीज टू क्वेश्चन ओके इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट गोल्डन एज ठीक है गोल्डन एज ऑफ एंशंट इंडिया किसे बोला जाता है इट इज़ एक्चुअली गुप्ता पीरियड ठीक है गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशंट इंडिया बोला जाता है उसके बाद चोलाज के पास सबसे ज़्यादा एफिशिएंट नेवी थी मतलब नेवी पहले भी थी बट सबसे एफिशिएंट मतलब किंगडम जिसने सबसे एफिशिएंट नेवी मेंटेन की है दैट वाज बाय चोलाज ओके द नेक्स्ट वन बीइंग द फर्स्ट किंग जिनकी रेगुलर या फिर स्टैंडिंग आर्मी थी ठीक है तो वो कौन से किंग हैं ठीक है सो द आंसर फॉर द सेम इज़ बिम्बी सरा ठीक है ये कौन सी डायनेस्टी से है ये हरियंका डायनेस्टी से हैं ठीक है सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ हर्षवर्धना ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ कैट ऑलरेडी पूछ चुका है इनके टाइम पे हुएन सेंग जो हैं वो इंडिया में आए थे हुएन सेंग कौन है ये एक चाइनीज पिलग्रिम है ठीक है इन्हीं के टाइम पे एक इंसान थे जिनका नाम था बना भट्ट वो कोर्ट में थे इनके ठीक है इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं इन्होंने लिखी है हर्ष चरित्र ठीक है उसके बाद कादम्बरी लिखी है ठीक है एंड इफ आई टॉक अबाउट हर्ष वर्धना इन्होंने खुद कौन कौन सी लिखी है एक तो लिखी है प्रियादर्शिका ठीक है देन इन्होंने लिखी है रत्नावली एंड उसके बाद नगामंद ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ याद कर लेना नाउ वी विल स्टार्ट विद मेजर रूलर्स द फर्स्ट वन बिंग कुतुब उद्दीन एवक ठीक है ये टर्किश स्लेव थे और इन्हें लाल बख्श का टाइटल दिया गया था ठीक है इन्होंने जो स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ़ सूफी सेंट जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी लेकिन अगर क्वेश्चन आता है दैट हु कंस्ट्रक्टेड कुतुब मिना तो आंसर विल बी अलतुतमिश एंड नॉट कुतुबुद्दीन उद्दीन एबक ठीक है इन्होंने सिर्फ स्टार्ट किया था उसके अलावा इन्होंने क्वात उल इस्लाम मॉस्क और अदायदिन का झोपड़ा भी बनाया है ठीक है अब अगर बात करते हैं फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन की तो कौन थे फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने इन्वेट किया था इंडिया को दैट द आंसर विल बी मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट टर्क इन्वेजन की बात करते हैं सो द आंसर विल बी महमूद गजनवी ठीक है टाइम पीरियड भी देख लेना सेवन हंड्रेड और नाइनटीन टू वन जीरो ठीक है नेक्स्ट वन बींग अल्तुत्मिश अल्तुत्मिश ने क्या किया था इन्होंने डेली को कैपिटल बनाया था इन्होंने इक्ता सिस्टम जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया था व्हाट इज़ द इक्ता सिस्टम बेसिकली ये एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ठीक है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ इस तरीके से कि जो पूरा किंगडम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ईजी हो जाए ठीक है तो इन्होंने जो सल्टनेट है अपनी उसको कितने पार्ट में डिवाइड में कर दिया था ही डिवाइडेड हिज सल्टनेट इन टू इलेवन इक्ताज ओके और इफ़ आई टॉक अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के आते आते द इताज वॉर टोटल ट्वेंटी थ्री नंबर फ्रॉम इलेवन ठीक है उसके बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन जिसको टंका बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने और उसके अलावा कॉपर कॉइन जिसको जितल बोला जाता है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ठीक है कुतुब मीनार किसने बनाया था अल्तुतमिश्र ने बनाया था ही इज़ द मेन पर्सन जिन्होंने बनाया है कुतुब मीनार को फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मंजिल जो है ठीक है उसके अलावा अल्तुत्मिश्र ने सुल्तान गढ़ी मकबरा भी बनाया है एंड टॉकिंग अबाउट आमिरस ठीक है जिनको तरकन ए चहलगानी बोला जाता था ठीक है वो भी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किए आमिर क्या होते था इट वॉज बेसिकली अ कोर ऑफ लाइक फोर्टी लॉयल स्लेव ठीक है दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर नाउ स्टार्टिंग विद नेक्स्ट थिंग दैट इज अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी कौन थे ये फर्स्ट टर्किश सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया था पहले ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरटवाइंड थी सारी चीज़ें रिलीजन बेस्ड होती थी ही वॉज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने दो चीज़ों को अलग किया था इनके टाइम पे अमीर खुसराव कोर्ट में थे मीर हसन दहलवी वॉज इन द कोर्ट जितने कोर्ट वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन मेजर रूलर्स के कोर्ट में कौन कौन था ठीक है टॉकिंग अबाउट अमीर खुसराव इनको तोता ए हिंद भी बोला जाता था ठीक है स्पेलिंग देख लेना एक बार ये यहाँ पर आएगा ठीक है इन्होंने क्या क्या लिखा है लैला मजनू और तुगलक नामा इन्होंने लिखी है ठीक है अब जो तुगलक नामा है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी ये आप मुझे बताएंगे ठीक है इसके अलावा इन्होंने अली दरवाज़ा और सिरी फोर्ट बनवाया था ओके सो दिस इज योर सिरी फोर्ट एंड दिस इज योर अली दरवाज़ा दोनों डेली में है ओके टॉकिंग अबाउट द रेड ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने साउथ में रेड करी थी ओके कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक इनके टाइम पे फेमस ट्रैवलर नाउ ट्रैवलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इबिन बतूता आए थे और उन्होंने बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था रिहाला ओके okay. इसके अलावा इन्होंने अदिलाबाद फोर्ट जहापना नगर और निज़ामुद्दीन ओलिया मॉस्क बनवाया था ठीक है इफ़ आई टॉक अबाउट निज़ामुद्दीन ओलिया मॉस्क एंड आदिलाबाद फोर्ट ये दोनों कहाँ पर है ये दोनों दिल्ली में है ठीक है देन इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद चेंज की थी और इन्होंने टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस करी थी अपने टाइम पे कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज फिरोशाह तुगलक इन्होंने एकता सिस्टम को हेरिटेज किया था वॉट इज एकता सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने है, राइट right? ये पहले थे जिन्होंने जजिया इंपोज किया था ब्राह्मण्स पे ये जजिया क्या होता एक्चुअली जिजिया बेसिकली क्या होता है ये एक तरीके का रिलीजियस टैक्स था ठीक है रिलीजियस टैक्स क्या होता है कि जैसे जो भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ थे वो जो मुस्लिम रूलर्स थे उनको पे करते थे कुछ अमाउंट ठीक है सो दैट रिलीजियस टैक्स वॉज यूजअली कलेक्टेड बाय ओनली द माइनॉरिटीज़ हु वर नॉट ऑफ द सेम रिलीजन जैसे कि ब्राह्मणस हुए ठीक है सो so उनसे ये उनके ऊपर ये इम्पोज किया जाता था उसके अलावा इनके कोर्ट में बारानी थे जो कि एक हिस्टोरियन थे इनके खुद के कोर्ट में ठीक है उसके बाद इन्होंने तारीख़ फ़िरोज शाही और फतवा ए जहंदारी लिखी है ठीक है इन्होंने हौज खास बनाया कोटला सिटी हिसार हासी जौनपुर ये सारी सिटीज़ इन्होंने डेवलप की थी इसके अलावा एज़ आई टोल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मंजिल है कुतुब मीनार की वो किसने बनाई थी अल्तुतमिश ने फोर्थ एंड फिफ्थ किसने बनाई थी फिरोजा तुगलक ने लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार किसने बनाया इट इज़ ओनली एंड ओनली अल्तुतमिश ओके मूविंग अहेड बाबर बाबर जो है अब देखो जितने भी बैटल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में लड़ा गया था ये बाबर ने लड़ा था इसमें इन्होंने किसको हराया था इब्राहिम लोधी को हराया था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ 1527 में डिफ़ीट किया था इन्होंने राना सांगा को एट खानवा देख लो कितने बैटल्स है खानवा वाला चंदेरी वाला और घाघरा वाला ये किन्होंने लड़ा है बाबर ने लड़ा है ठीक है सो फिफ्टीन ट्वेंटी एट फिफ्टीन ट्वेंटी नाइन और किसके अगेंस्ट है ये भी देख लेना एक महमूद लोदी के अगेंस्ट है एक राना सांगा और एक मेदिनी राय ठीक है उसके अलावा इन्होंने काबुली बाग मॉस्क बनाया है ठीक है इनकी डेथ कहाँ हुई थी आगरा में हुई थी और इनकी जो टूम है दैट इज़ इन काबुल उसके बाद इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है तुजुके बाबरी है ठीक है ये कौन सी लैंग्वेज में है ये टर्कश लैंग्वेज के अंदर है ठीक है इसके अलावा दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ रज़िया सुल्तान जो है वो कौन थी फर्स्ट एंड लास्ट विमेन रूलर थी इस टाइम की ठीक है मतलब इससे पहले की ऑफकोर्स तो नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स ठीक है रजिया सुल्तान फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर अगर मेडिवल इंडिया की बात आती है उसके बाद सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी जो है ही इज द वन हु फाउंड द सिटी आगरा ठीक है फाउंड करना और कैपिटल बनाना दो अलग बात है ध्यान देना ही फाउंड सिटी आगरा ही डिड नॉट मेक इट द कैपिटल ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज हुमायूं हुमायूं जो है उन्होंने बैटल ऑफ चौसा लड़ा था विद विदाहिफ्टीन हंड्रेड एंड थर्टी नाइन देख लेना इसे ठीक है ठीक कर लेना नेक्स्ट वन बींग बैटल ऑफ कन्नौज ये फिफ्टीन फोर्टी में लड़ा था अगैन अगेंस्ट शेर शाह द नेक्स्ट वन बींग गुलबदन बेगम जो है जो इनकी बेसिकली हाफ सिस्टर थी ठीक है उन्होंने क्या लिखा है उन्होंने लिखा है हुमायूं नामा ठीक है इन्होंने क्या बनाया था इन्होंने दिनपनाहा नगर बनाया था ठीक है और जो हाजी बानू बेगम हैं उन्होंने बनवाया था हुमायूं टूम ठीक है ये फर्स्ट विमेन बिल्डर हैं फर्स्ट मुगल वेमेन बिल्डर ध्यान देना फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाजी बानू कौन थी ये वाइफ थी हुमायूं की ठीक है हुमायूं टूम जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आप मुझे बताएंगे लोकेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और किसने बनवाया बहुत जरूरी हैं जितने भी आर्किटेक्चर हैं ठीक है और जितने भी फेमस uh, ट्रैवलर्स हैं जो कि बाहर के थे जैसे फाहिन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएगा इसमें से ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज शेर शाह सूरी ठीक है टॉकिंग अबाउट शेर शाह सूरी ही इंट्रोड्यूस सिल्वर रुपया कोपर दाम ठीक है इन्होंने ग्रैंड टंक रोड जिसे जी रोड भी बोलते हैं उसको रिस्टोर किया था देन मलिक मोहम्मद जैसी इन्होंने कंपाइल की थी पदमावत दैट इज इन हिंदी और वो किसके टाइम पे थी ड्यूरिंग शेरशाह so, रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज अकबर अकबर ने पिलग्रमेज टैक्स और ये जजिया जो भी था ये सब हटा दिया था जिस बात सिस्टम स्टार्ट किया था यह एक्चुअली टैक्स सिस्टम था जो कि अकबर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और इनके टाइम पे जो रैंकिंग सिस्टम था उसको मनसबदारी सिस्टम बोला जाता था तुलसी दास वॉज द कंटेम्प्ररी कंटेम्प्ररी मीन्स ही डिजाइडेड एट द सेम टाइम इन हिज कोर्ट ठीक है उनके कोर्ट में नहीं थे ड्यूरिंग द सेम टाइम ही वॉज देयर और इनको बंदी बनाया हुआ था मतलब दिस इज अ थिंग दैट हैज़ बीन सेड और इन्होंने फोर्टी डेज के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ही वॉज बंदी ठीक है उस टाइम पर इन्होंने क्या लिखी थी हनुमान चालिसा लिखी थी ये बोला जाता है ठीक है उसके बाद इबादत खाना जो था इनके टाइम पे एक डिस्कशन हॉल होता था ठीक है न टॉक मेरा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये हेमू के अगेंस्ट इन्होंने जीता था 1556 में ये सिर्फ 14 ईयर ओल्ड थे और इनके तरफ से बैरम खान जो थे उन्होंने फाइट किया था ठीक है न देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने लड़ा था आप जल्दी से आंसर करो डाउन इन द कमेंट सेक्शन लेट मी सी हाउ गुड इज योर मेमरी ओके बुलंद दरवाजा इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था एट फतेहपुर सीकरी अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी देखो ध्यान दो मेवार के अंदर इन्होंने लड़ा था इन 1576 ठीक है 1576 में क्या कौन सा था बैटल ऑफ हल्दी घाटी दैट वॉज ऑल्सो वन ठीक है और इन्होंने ये किसके अगेंस्ट लड़ा था महाराणा प्रताप के अगेंस्ट ठीक है इन्होंने एक नया रिलीजन काइंड ऑफ थिंग दिने लाही जिसे बोलते हैं वो फॉमुलेट किया था और ये किसी पे इम्पोज नहीं करते थे इसलिए सिर्फ तीन ही लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था दैट इज़ बीरबल अबुल फैज़ल एंड फैज़ी जो कि इनके नाइन जिम्स में ही इंक्लूडेड हैं ठीक है अब हम बात करेंगे नाइन जेम्स ठीक है जो बीरबल थे वो कौन थे इनके वो थे इनके फॉरेन मिनिस्टर ठीक है तानसेन कौन थे तानसेन इनके कल्चर मिनिस्टर थे ठीक है हकीम मुल्ला दो प्याजा कौन थे वो इनके एडवाइजर थे ठीक है अबुल फैजल कौन थे इनके वो इनके प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है तोडरमल फैजी कौन थे वो इनके एजुकेशन मिनिस्टर थे ठीक है देन मानसिंह जिनको राजा मानसिंह भी बोल सकते हैं वो क्या थे इनके चीफ ऑफ स्टाफ थे ओके देन अब्दुल रहीम खान ए खाना वो कौन थे वो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे ठीक है ये सब आपको याद रखना है बहुत जरूरी है नाइन जेम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मूविंग अहेड जहांगीर ठीक है जहांगीर जो है वो पेंटर भी थे वो पोर्ट्रेट्स ही बनाते थे और इनके टाइम पे कैप्टन हॉकिंगस आए थे और सर थॉमस भी आए थे ड्यूरिंग इस कोर्ट दिस टू पीपल विजिटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे पूछ लेंगे सर थॉमस किसके टाइम पे आए थे जहांगीर के टाइम पे आए थे कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर के टाइम पे आए थे ठीक है जो फिफ्थ सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव वो इनके टाइम पे ड्यूरिंग द टाइम ही वॉज रूलिंग उस टाइम पे उनको हैंग किया गया था ठीक है इसके बाद शालीमार और निषाद बाग मोती मस्जिद और इतमाद उल दौला वो इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया है ठीक है शालीमार बाग ये रहा आपका मोती मस्जिद अब प्लीज़ ध्यान देना मोती मस्जिद दो तीन आएंगे जो मोती मस्जिद लाहौर में है वो इन्होंने बनवाए हैं जहांगीर ने ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ शाहजहाँ इनको खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है इनका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम इनको बिल्डर ऑफ बिल्डर बोला जाता है एक्सट्रीमली इंपॉटेंट स्टामा कर लो ठीक है इन्होंने ताज महल रेड फोर्ट जामा मस्जिद मोती मस्जिद शीश महल शाहजहाँबाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं ठीक है अब जो इस टाइम पे शीश महल की बात कर रही हूँ मैं ये अपना राजस्थान वाला शीश महल नहीं है ये पाकिस्तान में है ठीक है सो so दिस शीश महल इज़ इन पाकिस्तान ओके देन फ्रांसिस बर्नियर जो हैं जो फिजिशियन थे ऑफ डारा शिखो वो इनके टाइम पे उन्होंने विजिट किया था शाहजहाँ के टाइम पे ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन औरंगज़ेब इनका जो निक नेम है दैट इज़ आलमगीर या फिर जिंदा पीर तो क्वेश्चन आ सकता है कि आलमगीर या ज़िंदा पीर किसको बोला जाता था ठीक है इन्होंने फतवा ए आलमगीरी जो है उसको कंपाइल किया था ठीक है सो वॉट इज़ दिस दिस इज़ एक्चुअली रिलीजियस बुक जिसको कंपाइल कराया था बाय द इस्लाम एक्सपर्ट जो कि इन्होंने ईरान की तरफ से साउथ एशिया की तरफ से बुलाए थे ठीक है ही वॉज ऑल्सो वीना प्लेयर और इन्होंने गुरु तेग बहादुर को भी हेड किया था एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बीबी का मकबरा मोती मस्जिद ठीक है जो कि लाल किला के, के अंदर है वो इन्होंने बनवाया था बीबी का मकबरा को मिनी ताज बोला जाता है मिनी ताज ऑफ डेकिन ठीक है इसकी लोकेशन क्या है दिस यू विल टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है दैट इज रॉबर्ट लीव ठीक है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल कौन है दैट इज वॉरन हेस्टिंग ठीक है अब देखो इन्होंने स्टार्ट किया था ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम और इन्होंने क्या किया था ड्यूअल गवर्नमेंट को एंड किया था ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइस रॉय कौन है सो ही इज़ नॉन अदर देन लॉर्ड कैनिंग उसके बाद लास्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन है द द आंसर फॉर सेम इज लॉर्ड माउंट बेटन ठीक है और इसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन जो थे वो हमने डिस्कस किया था राइट right? कहां पे डिस्कस किया था हमने अवार्ड्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था सो द आंसर इज सी राजगोपालाचारी ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज द फॉरन विजिटर्स ओके सो इंडिया को चंद्रगुप्त गुप्त मौर्य के टाइम पे किसने विजिट किया था तो इसका आंसर क्या है आंसर इज़ मेगा थॉमस रॉ जो है वो किन के टाइम पे आए थे ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर 1615 में ताकि वो सूरत फैक्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके ठीक है सूरत फैक्ट्री के रिगार्डिंग बात करने के लिए आए थे वो देन टॉकिंग अबाउट इबन बतूता ये किसके टाइम पे आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे राइट अच्छा इनकी बुक कौन सी थी अभी हमने डिस्कस की थी रिहाला थी राइट देन हुए सांग किसके टाइम पे आए थे ये चाइनीज़ पिलग्रिम थे ठीक है और ये कौन से थे मोरक्को से आए थे ठीक है याद रखना तो हुए सांग जो थे ये हर्षवर्धना के टाइम पे आए थे ओके इसके अलावा फ्रेंको इस बर्नियर के बारे में बात कर चुके हैं जो कि फ्रेंच थे वो औरंगजेब औरंग के औरंगजेब के टाइम पे आए थे ठीक है उसके बाद अप, अपने जो फाहेन थे वो किसके टाइम पे आए थे विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे एंड इफ़ यू रिमेंबर विक्रमादित्य कौन थे अपने चंद्रगुप्त टू थे है ना इनका हमने नाम डिस्कस किया था उसके बाद विलियम हॉकिंग्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जहांगीर के टाइम पे आए थे राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज एंड ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप सब लोग गलत करके आते यूजली वाई बिकॉज यू विल गो एंड टेक केशव चंद्र सेन जबकि जो ब्रह्मो समाज था उसमें पाटशन हुआ था ठीक है तो ब्रह्मो समाज में पाटशन होके ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट हुई थी ठीक है एंड ये जो थे इसको हेड करे थे केशव चंद्र सिंह बट इफ आई टॉक अबाउट जस्ट ब्रह्मो समाज तो आंसर विल बी राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज के साथ साथ इन्होंने आत्मीय समाज जो है वो भी फॉर्मुलेट की थी ठीक है नेक्स्ट स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद की अगर हम बात करते हैं सो so इन्होंने करी थी आर्य समाज ठीक है और इसका जो हेडक्वार्टर्स थे वो कहाँ थे आर्य समाज के दैट वॉज इन बॉम्बे गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्होंने उन कौन सी करी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जिसकी uh, जो हेडक्वार्टर्स है अगैन वेर इज इट इट इज इन पुणे ज्योतिराव फूले जो हैं इन्होंने सत्य समाज ठीक है और ये कहाँ पे थी महाराष्ट्र में ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सो द फर्स्ट वन बी हरिजन सेवा संघ यू कैन जस्ट नेम के थ्रू ही आप पता लगा सकते हैं द आंसर फॉर द सेम विल बी मोहनदास करमचंद गांधी एंड इसके हेडक्वाटर्स वर इन विच प्लेस इट वॉज इन पुणे नैक्स्ट वन इज गदर पार्टी ये लाला हरदयाल ने करी थी स्टार्ट एंड लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी पार्टी दूसरी कंट्री में उसका बेस था तो देखो इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं यूएसए कैनेडा ठीक है सो गदर पार्टी वॉज बेस्ड आउटसाइड ओके लाला हरदयाल नेक्स्ट वन इज इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंसली ये किसने करी थी तारक नाथ दास अगेन दिस वन वॉज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया दैट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थियोसफिकल सोसाइटी जो है ये ये हलीना पेट्रोनवा ने करी थी ठीक है सो so, हलीना पेट्रोनवा ठीक है एंड 1857 में स्टार्ट किया था टॉकिंग अबाउट परमहंस मंडली ये दादोबा पांडू रंग ने करी थी ठीक है और इसकी जो बेस था वो कहाँ था बॉम्बे में था ठीक है तो याद रखनी है ये चीज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन फाउंडर ऑफ द सिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ आई टॉक अबाउट कोलकाता सिटी सो ये किसने करी थी दिस वॉज बाय जॉब चारनौक सवाई सिंह ने कौन सी करी थी जयपुर ठीक है ली कॉबजियर जो हैं इन्होंने चंदीगढ़ गुरु रामदास इन्होंने कौन सी की थी अमृतसर ओके okay? इसके अलावा और भी कुछ है इंपॉर्टेंट तोमर्स ने कौन सी करी थी सिटी दिल्ली फिरोशा तुगलक ने कौन सी करी थी जौनपुर कली कुतुब शाह ने कौन सी करी थी हैदराबाद इसके अलावा इन्होंने और भी दो चीज़ें बनाई हैं दैट इज़ गोलकोंडा फोर्ट एंड चार मीनार ऑल्सो ठीक है सो so याद रखना है गोलकोंडा फोर्ट और चार मीनार किसने बनाए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर ठीक है कली कुतुब शाह अकबर की बात करते हैं सो so इन्होंने फतहपुर सीकरी जो है दैट सिटी ही फाउंडेड ठीक है अजात शत्रु जो है उन्होंने कौन सी करी थी पाटलिपुत्र कैंपे गोवड़ा ने कौन सी की है बेंगलुरु एंड दोस्त मोहम्मद खान ने कौन सी की है भोपाल फाइन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम वाइस रॉयज और उनके एसोसिएटेड डिटेल्स की बात करेंगे सो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था दैट वाज इन 1885 एटी फाइव विच वॉज प्रजाइडेड बाई ए ओ ह्यूम इसके अलावा जो फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस था वो प्रिसाइड किसने किया था प्रिसाइड किया था बैनर्जी ने सो उसी टाइम पे ये बनी थी कांग्रेस 1885 में उसी टाइम पे उसका फर्स्ट सेशन भी था ओके नेक्स्ट वन बीइंग लॉर्ड कर्जन ओके सो टॉकिंग अबाउट लॉर्ड कर्जन ही इज़ एसोसिएटेड विद पार्टस ऑफ बंगाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

This time itself. कब हुआ था दिस क्वेश्चन वो कब हुआ था अप्रिलो केम्सफोल्ड रिफॉर्म जो है वो भी इसी टाइम पे आए थे ठीक है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टॉकिंग अबाउट लॉर्ड आयविन इनके टाइम पे साइमन कमिशन आया था ठीक है साइमन कमीशन 1928 में आया था बहुत ज़्यादा नारे भी लगे थे गो बैक साइमन करके ठीक है देन टॉकिंग अबाउट दिस साइमन कमीशन ये क्या था इट वॉज़ बेसिकली टू रिव्यू द पोलिटिकल सिचुएशन ओके इसी टाइम पे लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज भी हुआ था ओके देन नाइनटीन थर्टी में डांडी मार्च भी इसी के दौरान पे निकाली गई थी ठीक है देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो भी इस टाइम पे स्टार्ट हुई थी एंड इफ आई टॉक अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये वापस से कब ली गई थी ये ली गई थी गांधी आयरविन पैक्ट के बाद ओके देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो भी इनके टाइम पे ही हुई थी ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स नाउ टॉकिंग अबाउट लॉर्ड लिंदको इनके टाइम पे क्या हुआ था क्रिप्स मिशन आया था ये क्रिप्स मिशन कब आया था 1942 में आया था इसके साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो भी स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी ऑगस्ट 8 1942 और इस टाइम पे डू और डाई करके नारे लगाए गए थे ठीक है ये किसने बोला था डू और डाई ये आप मुझे बताएंगे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस विद यू मूविंग अ हैड विद निक नेम्स आन द पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज़ एक बार ये गो थ्रू कर लेना मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वनस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वही डाले हैं जैसे कि ये है पूछा गया है दिस हैज़ बीन आस्ड ऑल्सो दिस ऑल्सो सो दिज आर द इम्पॉर्टेंट वनस एक बार इन्हें गो थ्रू कर लेना ठीक है ये निक नेम्स हैं सारे आपके लोक मान्य लोक नायक इसमें प्लीज़ कम कन्फ्यूज़ मत होना ध्यान से देख लो क्या है ठीक है देन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पंजाब केसरी टू इंपॉर्टेंट ठीक है सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो कांग्रेस सेशन है कौन से सेशन में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो स्प्लिट हुए थे दैट वॉज इन नाइनटीन ओ सेवन जो आपका सूरत वाला सेशन था कांग्रेस का दैन पूर्ण स्वराज कौन से उसमें पास हुआ था 1929 में जो लाहौर सेशन था जिसको जवाहरलाल नेहरू प्रोसाइड कर रहे थे उसमें हुआ था लखनऊ पैक्ट किस में साइन किया गया था लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में जो लखनऊ में सेशन हुआ था उसमें करा गया था अब लखनऊ पैक्ट किस चीज से रिलेटेड है आई गेस आपने सबने हिस्ट्री पढ़ी है सो यू मस्ट बी नोइंग दिस ओके इन विच सेशन फंडामेंटल राइट और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पास कौन से में किए गए थे थर्टी वन कराची में जिसके वल्लभ भाई पटेल ठीक है अपने क्या था इसमें प्रिजाइड उन्होंने किया था इन विच सेशन सुभाष चंद्र बोस वॉज द प्रेजिडेंट कौन से में थे ही वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी एट विच वॉज बेसिकली हरिपुरा ठीक है नाइनटीन थर्टी एट से नाइनटीन थर्टी नाइन ऑल्सो जो कि त्रिपुरी में था ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन वू इज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस सो द आंसर फॉर द सेम विल बी सरोजनी नायडू ठीक है इन्होंने प्रिसाइड किया था 1925 में कानपुर में ठीक है नेक्स्ट वन बीइंग कौन सा सिर्फ रूरल सेटिंग में एक ही सेशन हुआ था वो कौन सा हुआ था सो so द आंसर इज uh, जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था वो दैट वाज इन 1936 एंड इट वाज इन फैज़पुर ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फर्स्ट विमेन प्रेजिडेंट देखो ध्यान देना फर्स्ट इंडियन वेमेन है या सिर्फ वेमेन है ठीक है तो आंसर क्या होगा इसका एनी बीसेंट होगा एंड इन 1917 इन्होंने कैलकटा सेशन जो है वो प्रोसाइड किया था इसके अलावा एक और है कौन सा मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रोसाइड किया था कौन सा सेशन वो बेलगांव सेशन था दैट वॉज इन 1924 ठीक है याद रखना अब बैटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमने मेजरली सारे बैटल्स डिस्कस कर लिए थे बट एक बार इन्हें गो थ्रू कर लेना ठीक है मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया है सो दैट थिंग्स गेट वेरी ईजी फॉर यू दिस आई ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल्सो आई डिस्कस्ड राइट सो एक बार प्लीज़ जस्ट चेक इट आउट दे आर द इम्पॉर्टेंट वंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ठीक है प्लासे वाला बक्सर वाला तालीकोटा वाला किन के बीच में था सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हिस्ट्री एंड विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन

कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाओ एंड 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 यू विल मेक इर थ्रू एंड यू विल शोरली कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर मैसेजेस टू कम इन थ्रू इंस्टाग्राम ऑन यूट्यूब मेक श्योर दैट वॉन्ट्स योट डन विद एग्जामिनेशन यू शेयर ऑल द क्वेश्चन बदास थ्रू इंस्टाग्राम यूट्यूब and uh, later on we will just come up with a session for the people who have shifts later on like 13 or 14 exams so we'll surely help them out by putting up a video that what that you guys can revise which can come up in examination according to the paper that was uh, being set on 12th okay so all the best inside us as we family make us proud